अपने दो तीन लोगों को पकड़ा भी, हमारा उनसे झगड़ा भी हुआ, तो वो कह रहा है कि ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो पहले वो चकला बंद करा लो। दी बेटियाँ सबकी रहती हैं, हमारी भी माता बहनें रहती हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। जो लोग आते थे यहाँ पर अंदर बैठ के ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करने के बाद जो यहाँ से निकलते थे तो गाली गलौज करके निकलते थे। प्रॉपर्टी डीलर हैं जो, उनकी कमी है, उन्हीं की वजह से मदद देते हैं, अपनी कमीशन के चक्कर में बैड एलिमेंट को यहाँ वो कर दे। पुलिस बीट वालों को बोला, पुलिस बीट वाले भी आए, वो भी अपनी सेटिंग करके चले गए, अपने मंथली मान के चले गए। दो तीन बार वार्निंग भी दी थी लेकिन ये नहीं माने। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा और उस वक्त मैं दिल्ली के पश्चिम विहार में मौजूद हूं। यहां से एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, बताया जा रहा है कि यहां पर एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल चल रहा था जिसका जो है पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने जो है यहां पर रेड मारी है और जो भी आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया है। आइए यहां स्थानीय लोगों से बात करेंगे और पूरे मामले को जानेंगे। अभी मेरे साथ यहां के प्रधान भी मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, कब से चल रहा था सेक्स स्कैंडल ये? मतलब साल नहीं, साल के लगभग होगा, साल से चल रहा, 7-8 महीने होंगे समझ लो। तो तब कंप्लेन की गई थी जो ये सब चल रहा था? कंप्लेंट नहीं की थी, मैं इनके पास खुद गया था, मेरे को कंप्लेंट आई, तो मतलब मेरे को 2-3 महीने बाद, मतलब 7 महीने बाद पता लगा, 7 महीने से पता लगा, पहले 2-3 महीने पहले भी चलता रहा है, लगभग साल चलता रहा है। मैं इनके पास खुद गया हूँ बात करने के लिए कि ये जो धंधा वंदा कर रहे हो इस तरह का यहाँ पर हमारे ब्लॉक में अलाउड नहीं है, क्योंकि 7 साल पहले मैं प्रधान बना था, उससे पहले बहुत चलते थे यहाँ पर, तो मैंने जब से आया हूँ मैंने ये बंद करवा दिया बिल्कुल, और ब्लॉक के हर चीज़ की सुरक्षा करता हूँ क्योंकि मैं फ्री एम्बुलेंस सेवा वगैरह भी चलाता हूँ और सोशल वर्क करता हूँ सारा। कहाँ पे चल रहा था ये? BG6 रेजिडेंस किराए पे ले रखा था, 116 नंबर। तो ये मतलब पता कैसे चला कि यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा है? गैर कानूनी काम हो रहा है, जो यहाँ पर जो लोग आते थे यहाँ पर अंदर बैठ के ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करने के बाद जो यहाँ से निकलते थे तो गाली गलौज करके निकलते थे। कुछ गड़बड़ चला, आपकी गाली बकते थे, फिर हमने 2-3 लोगों को पकड़ा भी, हमारा उनसे झगड़ा भी हुआ, तो वो कह रहा है कि ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो पहले वो चकला बंद करा लो, पहले वो कर लो, फिर वो उल्टी सीधी बकवास हमसे करके जाते, तो हमारा झगड़ा रोज होता था। फिर हमने इनको बुला के बात करी कि इस तरीके से वेश्यावृत्ति इसको बंद कर दो, ये मतलब रेजिडेंस के लोग हैं, अच्छे से नहीं लगता तो इसे बंद कर दो, पर इन्होंने कोई नहीं सुनवाई, कह रहे हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, ऐसा हमारी फैमिली है, सब कुछ है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ के पुलिस जो बीट होती है, जो हमारे बीटी ऑफिसर होते हैं नरेश मलिक, उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे गलत काम हो रहा है, इसको बंद कीजिए। और इसका ये मकान है, उससे कंप्लेन नहीं किया आपने कि यहाँ गलत काम चल रहा है? मैंने उसको बोला था यहाँ पे गलत काम चल रहा है और इस तरीके से गलत काम चल रहा है, आपने गलत आदमी को मकान दे दिया। वो कहने लगा कि हमने जो है मतलब जिस डीलर से चढ़वाया है वो वेरिफिकेशन कराई है, और डीलर वो जो है वो बुज़ुर्ग हैं, डीलर चढ़ाने वाले वो सानी जी हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, उनको आया और उनको आपने ID प्रूफ वगैरह दे दिया, उनको क्या पता है ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा? मालिक को पता नहीं है क्या? मालिक को नहीं पता था, उसने फिर उसको मालिक ने उस डीलर के कहने पर दे दिया। पर मैंने जब मैंने बता दिया आपके मकान में गलत काम हो रहा है, तो उनका फर्ज बनता था मकान खाली कराने के लिए पुलिस में। देखने भी नहीं आए कि सही में गलत काम चल रहा है कि नहीं जो मालिक? नहीं, वो वहाँ पर देखने नहीं आए, और मकान मालिक को मैंने बोलता रहा। उसके बाद मैंने पुलिस बीट वालों को बोला, पुलिस बीट वाले भी आए, वो भी अपनी सेटिंग करके चले गए, अपने मंथली मान के चले गए। 1 साल हो गया, कोई एक्शन फिर नहीं हुआ और अचानक से अब हुआ? कोई कुछ नहीं हो रहा था, बीच में एक क्राइम की टीम आई थी, उसको मैंने बताया, वो हमारे जानकार थे, नोन टू थे, मैंने उनको आगे बताया ऐसे ऐसे काम होता है। उन्होंने आए मेरे मकान मालिक के पास लेके गए, मकान मालिक ने मेरे पे दरवाजा बंद करके मारा और बोल रहा है कि सानी जी ने तो बोल दिया सब ठीक है और तुम ठीक है, तुम बेकार में खाम का पंगेबाजी ले रहे हो। मैंने कहा अच्छा, जा सकता है कि मालिक की मंजूरी पे भी हो सकता है? हो सकता है, पर मेरे हिसाब से नहीं है, ऐसे थे नहीं वो मकान मालिक, पर वो थोड़ा सा गुमराह हो गया था और मेरे से बदतमीजी कर रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर मैं इतना परेशान हो गया था लोगों की कंप्लेंटें सुन के, और रात को जो शराब पी के यहाँ से निकलते हैं, बदतमीजी करते निकलते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं तो बहुत गंदा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पर अपने ब्लॉक के सभी लोगों को, RW की टीम को, सारों को इकट्ठा करके और कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके हम DCP ऑफिस गए थे। कल हमने सोचा था, फिर आज हम DCP ऑफिस गए, बिना टाइम लिए गए थे, और DCP साहब ने हमें वहाँ पर अपने वेटिंग रूम हॉल में बिठाया, और उसके बाद हमें अपने रूम में नहीं बुलाया बल्कि वहाँ से उठ के हमारे पास आए। मैं उनके पर जो पुलिस आई वो लोकल थाने की थी कि बाहर से आई? नहीं, हम DCP साहब के पास गए, वो आए, उन्होंने हमारे से समस्या पूछी, हमने और भी 4-5 समस्या है कि हमारे यहाँ की लोकल पुलिस और जो ये पुलिस है और ये लोग सब मिले हुए हैं, गलत काम बहुत सारे हो रहे हैं, और ये काम नहीं, इसके अलावा भी बहुत गलत काम होते हैं, उसके अलावा भी बहुत गलत काम होते हैं, पर हमने सारे रखे। पर DCP साहब ने ये बोला था आप मेरे पास आए हो, आपके पास आपके घर पहुंचने से पहले ये काम हो जाएगा, मगर वही वाली बात हुई, जब मैं घर पे पहुंचा हूँ तो मेरे को न्यायालय थाने के SHO का फ़ोन आया कि मेरे को DCP साहब ने आपके काम के लिए भेजा है, आप बताइए क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ आना है, तो वो कह रहा आ गए वो मेरे साथ, और यहाँ आके मैंने अपने किसी नंबर से मैंने उनको कॉल किया,
यहाँ पर जहाँ वेश्यावर्ता चल रहा है, मैंने उनसे बात भी करी और उन्होंने बोला आ जाओ डिस्पेंसरी पे खड़े हो जाओ और आ जाओ। फिर उसके लिए वो पुलिस ने बोला कोई आदमी अपना दे दो, पुलिस जाएगी तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने अपना ही, मेरा एक भतीजा है लगता है, दोस्त है, भतीजा है बराबर का भी, ऐसे मान लो कैसे भी है, तो उसको लड़के को मैंने राजी करा और वो जाके आगे बढ़कर कस्टमर बन के गया। फ़ोन पर बात मेरी होती रही है, कस्टमर बन के हो गया और वो जैसे अंदर गया तो पुलिस ने ऊपर से छापा मारा है। स्टिंग ऑपरेशन करा हमारा RW ने करा है और न्यायालय थाने के SHO का भी शुक्रिया दे, उन्होंने पूरी टीम और तरीके से करा, हमारे साथ मिलके करा है, बहुत अच्छा लगा। पर यह हमारे यहाँ के एरिया के पुलिस स्टेशन के SHO और जो बीट वाले, उन्होंने निकम्मे हैं बिल्कुल, और उन्होंने पुलिस की लापरवाही है। देखो पुलिस तो पुलिस है, वो भी तो पुलिस है, न्यायालय विहार की वो DCP साहब भी तो पुलिस है, वो ये अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ये क्यों नहीं निभा रहे हैं? इनके पास हम हाथ जोड़ने जाते हैं, कहने जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? जो है DCP साहब को सल्यूट करते हैं, उनके जैसा फिल्मी स्टाइल में जो DCP है वो वही है जो फिल्मों में देखा जाता है, वैसे ही है। उन्होंने बोला आपके घर पहुँचने से पहले काम हो जाएगा, तो वही काम हुआ। आपका नाम? राहुल। ऐसे रिहायशी इलाके में ये सब चल रहा है तो एक तरीके से लोगों पर भी गलत असर पड़ सकता है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत बुरी बात है, आगे से असर नहीं होना चाहिए। हम बस RWA टीम इसीलिए मिले हैं और सब हम इसी उसमें लगे हुए हैं कि कोई भी काम ना हो गलत ऐसा, और BD6 की पूरी RW टीम, हमारे मेंबर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इसी काम में लगे हुए हैं कि हम कोई भी गलत काम देखेंगे और वो हम उसको नहीं। महिलाएं बच्चे भी यहीं से निकलते हैं और फिर कहा जा रहा है कि रात को यहाँ पर कुछ लोग शराब पी के यहाँ पर इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उससे गलत असर भी पड़ सकता है, एक तरह खतरा भी है महिला और बच्चे, खतरा भी है। और दूसरी बात यह था कि हम देखते भी रहते थे और 2-3 बार वार्निंग भी दी थी लेकिन ये नहीं माने। सर आपका नाम? अमरजीत सिंह। आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल यहाँ पर चल रहा था, आप लोगों को पता था ये सब यहाँ पर गैर कानूनी काम होता है? हमारे प्रधान जी, मेरा ट्रैवल का काम है, घर में कम ही होता हूँ तो कभी इतना ध्यान नहीं दिया इस बारे में, लेकिन प्रधान जी हमारे बड़े एक्टिव हैं, ये सारा दिन इनका यही काम है, पूरी कॉलोनी के अंदर कुछ गलत काम होता है ये फटाफट पकड़ लेते हैं और हमें ग्रुप के थ्रू पता लगता है और हम इस उसके ऊपर सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं। मतलब एक तो रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग भी घूमते हैं, लेडीज होती हैं, बच्चे हैं, एक तरीके से गलत असर भी हो सकता है। बिल्कुल गलत असर है जी, बिल्कुल, मेरा साथ वाला घर है और इतना गलत असर है बहुत। पुलिस किस वक्त पहुँची थी जब ये पर्दाफाश हुआ? ये 3:30 बजे के करीब पुलिस आई है। मतलब मौके पर आ गई? हाँ जी, मौके पर आ गया। और कितने लोग पकड़े गए हैं अब? ये तो अंदर ही है जी, इस बारे में नहीं अभी। सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद शर्मा है जी। आप भी रहते हैं? हाँ जी, B6 में रहते हैं। कैसे चल रहा था सर ये सब? ये 1 साल से एक्टिविटी चल रही थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोकल पुलिस की भी लापरवाही देखी जा रही है कि टाइम पर एक्शन नहीं लिया। एक्चुअली लोकल पुलिस की लापरवाही इसलिए है कि उनको पहले भी 2-3 बार बोला गया है, वो आते हैं अपना यहाँ फिर के चले जाते हैं, या गाड़ियाँ लेके आए, कंप्लेन करी किसी ने तो आगे उनसे पूछो, या वैसे तौर पर आगे हम पूछते हैं तो भाई क्या हुआ, तो कहते जी कोई नहीं, मियाँ बीबी का झगड़ा है, बस उसको टालम टोल करके चले जाए। पहले कंप्लेन की गई थी? 2-3 बार गई हुई है कंप्लेन। पुलिस की पेट्रोलिंग होती है यहाँ पर? पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, अभी तो नाम मात्र की पेट्रोलिंग है। नाम की पेट्रोलिंग है। बाहर की पुलिस आई थी वैसे छापा मार? बाहर की, आज जो हमारे प्रधान जी हैं दीपक मदान जी, आज इन्होंने बहुत बढ़िया जिस तरीके से काम किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ इस काम के लिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम और बहुत एक्टिविट होके काम किया है। जिस तरीके से वो DCP साहब के पास गए, सबको साथ लेके गए वहाँ पे, और जैसे DCP साहब ने सारी बातें सुनी है इनकी, सुनने के बाद उस पर जो एक्शन हुआ है, मतलब पता लगता है भाई हाँ कि आज पुलिस ने एक्शन लिया है, क्योंकि यहाँ की पुलिस के भरोसे रह के तो कोई काम नहीं हो सकता था। सिर्फ परेशानी इसलिए थे कि यहाँ पे दी बेटियाँ सबकी रहती हैं, हमारी भी माता बहनें रहती हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। ताकि सबसे बड़ी कमी जो है हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो उनकी कमी है, उन्हीं की वजह से मतलब ये जो है लोगों को लालच देते हैं, अपनी कमीशन के चक्कर में बैड एलिमेंट को यहाँ वो कर देते हैं। ये पश्चिम विहार में वही गली है जहाँ भांडा फोड़ हुआ है, बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहाँ पर छापे मारे थे और कुछ लोगों को भी पकड़ा गया, और बताया जा रहा है कि करीबन 1 साल से जो है सेक्स स्कैंडल यहीं पर चल रहा था, और एक तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि लोकल पुलिस की भी लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि जब यहाँ पर कंप्लेन की गई थी तब यहाँ पर उस वक्त एक्शन नहीं हुआ, अब इस सेक्स स्कैंडल को चलते चलते 1 साल हो चुका है, अब जाके जो है बाहर की पुलिस के द्वारा जो है एक्शन हुआ है, यहाँ पर छापेमारी हुई और उन लोगों को पकड़ा गया। अभी देखते हैं, क्योंकि एक देख रहे सोचने वाली बात है कि एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पर ये सब गलत काम हो रहे थे, और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन पर भी एक तरीके से गलत असर पड़ सकता है। अभी यहाँ की पुलिस जो है पूरे मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अपटुडेट।